हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज अपना मुद्दा होगा क्या, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। जीरो गिनना आज अपन पढ़ने वाले हैं। जीरो गिनना कैसे, देखो जैसे मैं लिख दूं आपको, ये 1800 लिख दिया तो 1800 के लास्ट में कितने जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे 2 जीरो। मैं लिख दूं 735,000, कितने जीरो आपको लास्ट में दिख रहे हैं, 3 जीरो दिख रहे हैं। तो ऐसे संख्याओं के क्या है लास्ट में कितने जीरो होंगे ये अपन गिनेंगे। लेकिन क्या है, संख्याएं जब डायरेक्ट नहीं मिलेंगी अपन को, संख्याएं गुणा में जोड़ में ऐसे मिलेंगी, तो वहां अपन को जीरो गिनने हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा क्या क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए, जैसे पहले एक बार छोटे से स्टार्ट करते हैं ताकि एक बार कंसेप्ट से अपन जुड़ जाए। देखिए मैं लिखा 13 × 15 × 19 × 17 × 26 × 37, ये कुछ संख्या है, मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दी। ये जो प्रोडक्ट होगा इसकी जो वैल्यू आएगी, इसके लास्ट में जीरो बताने, इसके लास्ट में जीरोज कितने होंगे, इसके लास्ट में शून्यों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो बड़ी सी वैल्यू आएगी, उसके लास्ट में जीरो बताने। तो अब आप देखिए, एक दो संख्याएं होती है अपन मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं, लेकिन इतनी संख्या अपन मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे ना, लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सोचेंगे जहां भी मामला क्या है, मैथ्स में फैल जाता है, दिखने में बड़ा हो जाता है, मतलब कोई ना कोई पैटर्न है, लॉजिक है, बस वो अपन को पकड़ना है। यहाँ पे देखो जीरो की कहानी क्या है, एक बार देखिए आप। जैसे मैं संख्या 28 लूँ, 28 को मैं 10 से गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा बोलो, आप कहेंगे 280। मैं 28 को 2 बार 10 से गुणा करता तो क्या होगा, 2800। यदि 28 को 3 बार क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2800। तो आप देखिए जीरो की वजह क्या है, जब भी अपन संख्याओं को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी 10 से मल्टीप्लाई होता है, 10 से मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाता है, लास्ट में जीरो लग जाता है। यहाँ एक बार 10 था, एक बार जीरो लग गया, 2 बार 10 आया, 2 बार 0, 3 बार 10 लगा तो 3 बार क्या हो गया, जीरो अपने पास सामने आ गया। तो अब अपन को देखना कि यहाँ जीरो क्या है, कितने बनेंगे। जीरो के लिए यहाँ अपन को 10 देखने, तो सीधा 10 नहीं दिख रहा, तो कहीं छुपा हुआ 10 अपन को देखना है। अब 10 की कहानी क्या है, देखो 10 जो है वो, अब ये जो जीरो वाला मैटर है, नंबर ऑफ जीरोस की कड़ी किस पे डिपेंड करेगी, 10 पे डिपेंड करेगी। और 10 जो वो किस पे डिपेंड करता है, 10 दो और पाँच की पेयरिंग पे डिपेंड करता है। जब कहीं भी दो और पाँच का पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, वहीं 10 बनेगा, और 10 बनते क्या हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ सीधा अपन को 10 नहीं दिख रहा, लेकिन क्या अपन को 2 और 5 दिखाई दे रहा है। आप संख्याओं को तोड़ेंगे ना, देखो 15 को तोड़ो, 15 क्या होता है, 3 × 5, 26 क्या होता है भाई साहब, 2 × 13। तो अपने पास एक बार 5 है, एक बार क्या है, 2 है, तो अपने पास 5 और 2 का एक पेयर बन गया। इसका मतलब यूँ बोल सकते हैं ना, अपने पास 10 कितनी बार बन गया, एक बार, और 10 एक बार बन गया तो क्या बोलेंगे, जीरो कितनी बार आ जाएगा अपने पास, एक बार आ जाएगा। इस प्रोडक्ट में, इस गुणनफल में कितने जीरो अपन बताएंगे, एक जीरो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से अपन को इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। जैसे मैं और क्वेश्चन लिखूँ ऐसा ही सिंपल सा, आपको मान लो यूँ दिया, संख्याएं दे दी 37 × 31 × 24 × 17 × 35 × 11 × 25 × 53 × 18, ये संख्याएं दे दी। और क्वेश्चन वही है, लास्ट में क्या बताने हैं, जीरोज, कि इसके लास्ट में क्या होंगे, जीरो जो है वो कितने होंगे। तो अब जीरो की कहानी अपन को समझ आ गई, जीरो किससे बनता है, 10 से बनता है, और 10 किससे बनता है, 10 बनता है 2 और 5 के टुकड़ों से। तो 2 और 5 के पेयरिंग जो है वो अपन को काउंट करनी है। देखिए आप 5 कहाँ कहाँ है, एक देखेंगे आपको 35 में दिख रहा होगा 7 × 5, 25 क्या होता है बोलो, 5 × 5, तो 5 कितनी बार हुआ अपने पास में, 3 बार ना, और किसी में 5 प्रेजेंट नहीं है। अब 2 कहाँ है, एक तो 24 में देखो, 2 × 2 × 2 × 3, 24 के टुकड़े इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और एक कहाँ है, 2 × 9, है ना। अब ध्यान दीजिए, 5 और 2 की जितनी पेयरिंग होंगी, जितने जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, उतने 10 बनेंगे, उतने 0। तो आप देखो एक पेयर तो 5 और 2 का ये बन जाएगा, एक पेयर आप क्या बना सकते हो, इन दोनों का बना सकते हो, 2 पेयर हो गए, एक पेयर आप इन दोनों का बना सकते हो। तो 3 बार 5 था वो, उनको 3 बार 2 मिल गए, उसके बाद ये अकेला 2 बच गया, लेकिन अकेला 2 कुछ नहीं कर सकता, 5 और 2 का मिलना क्या बनाएगा, 10 बनाएगा, 5 और 2 के मिलने से 10 बनेंगे। तो यहाँ अपने पास 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे, 3 पेयर बन रहे हैं। तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा 3 टाइम्स,
इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितनी बार जीरो आएंगे, इसके लास्ट में 3 बार अपन को जीरो मिल जाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। जैसे मैं एक और छोटा सा ऐसा ही सिंपल सा सवाल लिख दूँ, आप इनको छोटे छोटे सवालों को नोट करते चलना, खास करके जो बच्चे नंबर ऑफ जीरोज पहली बार पढ़ रहे हैं। किसी का थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ तो इन छोटे क्वेश्चंस को छोड़ सकता है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो हर एक पैटर्न को उतारते चलो। देखिए मैंने लिख दिया 23 × 75 × 11 × 125 × 27 × 89 × 73। इसके लास्ट में क्या बताने हैं, जीरो बताने। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने के आएंगे, जीरो आएंगे। तो देखिए भाई साहब गौर करो, 5 कहाँ हैं, 75 में भी होगा, 125 में भी होगा, 5 तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसमें अपन को कहीं 2 दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या बोलेंगे अपन, 5 और 2 का तो कोई पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो क्या कहेंगे अपन, इसमें जीरो कितनी बार आएगा, इसमें आएगा 0 बार, इसके लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ 2 प्रेजेंट नहीं है, 2 अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट में, गुणा में कहीं भी 2 अवेलेबल नहीं है। 5 और 2 के पेयर जोड़े जितने बनते उतने 0 बनते। तो यहाँ 5 तो था, 5 तो कई बार भरा हुआ है, 75 के 5 × 5 × 3, 125 क्या 5 × 5 × 5, तो 5 तो काफ़ी बार है, लेकिन अकेला 5 कुछ नहीं उखाड़ सकता। 5 और 2 की पेयरिंग है वो क्या बन देगी, हमेशा अपन को 0 देती है। तो यहाँ कोई पेयर नहीं बना, इसलिए कोई 0 नहीं है। अब ये तो क्या बहुत छोटे छोटे सवाल है, लेकिन इनको तो कोई भी बंदा क्या कर सकता है, सीधा देखते ही कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा दिखने में हल्का सा बड़ा बनाया जाता है, और उसके लिए फैक्टोरियल जो अपन ने पढ़े उसका क्या है, ज़्यादा यूज होता है इस कंसेप्ट में। देखिए कैसे बनते हैं क्वेश्चन, जैसे आपको यू मिल जाए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 से लेकर 98, 99 और 100, है ना, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं अपन को बोल दी। या इसको यूँ भी बोल सकते हैं फैक्टोरियल 100 या 100 का फैक्टोरियल। वैसे पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोले तो यूँ ही बोला जाता है फैक्टोरियल 100, लेकिन अपन क्या है अपने देसी लहजे में इसको 100 का फैक्टोरियल भी बोल लेते हैं। जब हिंदी में बोलते हैं तो यूँ बोला जाता है कि 100 का क्रम गुणित, इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टोरियल 100। अब अपन ने इंग्लिश बना दी तो अपन क्या 100 का फैक्टोरियल बोलने लग गए, है ना। तो एक ही बात है, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको शायद लग भी रहा होगी ये तो फैक्टोरियल 100 है, क्या बार बार अपन का फैक्टोरियल लगा रहे हैं, मिक्स कर दिया अपन इंग्लिश हिंदी। अब देखो 100 का फैक्टोरियल दिया, इसके लास्ट में क्या बताने हैं अपन को, इसके लास्ट में 0 कितने होंगे वो बताने हैं। अब देखो ये मैटर क्या हुआ, संख्या काफ़ी सारी होगी ना, तो अपन 1 by 1 तो नहीं जा सकते। अब आप सोचो बड़ा है तो कोई ना कोई तो क्या रहा होगा, पैटर्न रहा होगा, अपन को गिनने हैं 0। 0 की कहानी क्या है, 0 के लिए चाहिए 2 और 5, है ना। एक बार अपन इसको क्या है पूरा बेसिक से करेंगे, उसके बाद क्या है इसका एक जुगाड़ भी है, ट्रिक है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। बेसिक इसलिए कि कई बार जो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ फिर क्या है जो ट्रिक्स होती हैं वो धरी रह जाती हैं, वहाँ बेसिक से क्या आते हैं काम में आते हैं। तो अब इसमें देखेंगे अपन 0 0 के लिए क्या देखेंगे, 2 और 5। अब आप बताइए 2 कहाँ कहाँ मिलेगा अपन को, यदि लगातार नेचुरल नंबर्स हैं तो 2 मिलेगा 2 में 4 में 6 में 8 में 10 में, हर दूसरे नंबर में 2 प्रेजेंट है। 5 कहाँ कहाँ मिलेगा अपन को, 5 में 10 में 15 में 20 में 25 में 30 में, हर पांचवी संख्या में कौन है, 5 है। तो आप ये बताइए इसमें 2 ज़्यादा आएंगे कि 5 ज़्यादा आएंगे, गिनती किसकी ज़्यादा आएगी। अब 2 नज़दीक नज़दीक है तो गिनती 2 की ज़्यादा आएगी ना, तो फिर किसको गिनने में समझदारी है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 कम है इसलिए अपन क्या गिन लेते हैं, 5 गिन लेते हैं। जितने 5 हो जाएंगे, 2 तो काफ़ी सारे हैं उनको मिल ही जाएंगे, तो उतने 0 बन जाएंगे। तो यहाँ से मुद्दा बन गया कि यहाँ अपन को ढूंढना क्या है, 5 ढूंढना है। अब देखो 5 कहाँ कहाँ है, 5 मिला कहाँ पे, 5 में 10 में 15 में 20 में 25 में 30 में कहाँ तक, 90, 95 और 100 तक। बताओ कितनी बार 5 मिल गया अपन को, आप इन संख्याओं की काउंटिंग भी करो तो 5 की टेबल लिखी हुई है, 5 × 1, 5 × 2 से कहाँ तक, 5 × 20 तक। तो अपने 5 कितनी बार मिल गया, 20 बार 5 तो अपन को सीधा सीधा मिल गया, 20 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 है, तो 20 बार तो सीधा सीधा मिल गया। अब बीच में कुछ संख्याएं ऐसी भी आई होंगी जिनमें 5 क्या आया होगा,
दो बार आया होगा, पांच की काउंटिंग डबल आई होगी, है ना। दो बार पांच किन में आया होगा बोलो। कई बार क्लास से पूछते तो बच्चे बोलते हैं 55 में दो बार पांच है। 55 में धोखा है बेटा, 55 ग्यारह गुना पांच है, 55 में खाली एक ही पांच है, है ना। तो 55 नहीं होगा, दो बार पांच से मतलब 5 × 5 यानी 25 वाली संख्या है। 25 या 25 के जो भी मल्टीपल्स हैं, तो 25 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो खुद 25 में, एक 50 में, एक 75 में और एक 100 में। ये चार संख्याएं ऐसी हैं, इनमें दो दो बार क्या आए हैं, पांच आए हैं। एक एक बार तो बेटा अपने ऊपर गिना है ना, 25, 50, 75, 100 इस लिस्ट में आ गए एक एक बार, तो जो एक एक एक्स्ट्रा इनमें और छुपे हुए हैं। तो 20 तो ये थे, और चार बार क्या हो गए अपने पास, पांच और एक्स्ट्रा हो गए, चार एक्स्ट्रा हो गए, 20 ये थे, चार ये हो गए, तो पांच टोटल कितनी बार हो गया, पांच हो गया कितनी बार, 24 बार। 24 टाइम्स यहाँ पे अपने पास क्या अवेलेबल है, पांच अवेलेबल है। तीन बार पांच वाली कोई संख्या यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि तीन बार पांच का मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 5 125। अपन तो बात ही क्या कर रहे हैं, सो तक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने को पांच टोटल मिला 24 बार। दो कितनी बार है, दो बोलेंगे बहुत बार, 24 से तो बहुत ज़्यादा है, दो चार छः आठ से सो तक जाते हैं तो ही तो 50 बार हो जाता है। उसके बाद बीच में 4 में होता है 2 × 2 8 होता है 2 × 2 × 2 तो काफ़ी सारे हैं, ज़रूरत ही नहीं है उसकी काउंटिंग की। 5 24 बार, 2 बहुत बार, 0 क्या बोलेंगे अपन, 0 कितनी बार हो जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा 24 बार। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणा में कितने 0 होंगे, 24 बार लास्ट में इसके 0 अपन को मिलेंगे। ये तो है इसका बेसिक की कहाँ कैसे कैसे अपन ने पाँचों क्या है ढूंढा है। अब इसको थोड़ा सीधा करें तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा डायरेक्ट काउंटिंग पे जाना पड़ेगा। जैसे पहले अपन एक बार बीच में डिविजिबल नंबर्स की काउंटिंग पढ़ी थी, मैं आपसे बोलूँ 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड होती हैं, तो आप बोलते थे 100/5 20 ऐसे करते थे ना, उसी कंसेप्ट का अपन क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो देखो ध्यान से इसको नोट कर लेना सब लोग। अब अपन इसके सीधे तरीके क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नोट इसलिए करना है अच्छे क्वेश्चन में, जब ढंग के क्वेश्चन बनेंगे लास्ट में, बड़े क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, तब क्या है बेसिक्स की अपन को जरूरत पड़ेगी, तब दिमाग में पूरी पिक्चर होगी तो अपन बहुत आराम से क्या कर पाएंगे, सोच पाएंगे नए क्वेश्चन पे, है ना। हाँ, अब देखिए इसमें गौर करो, 1 से 100 तक संख्याएं हैं, है ना। अब इसमें क्या देखना है अपन को, पाँच गिनना है। आप जानते हो पाँच किस में होता है, हर वो संख्या जो पाँच से डिवाइड होती है उसमें पाँच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि भैया 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो पाँच से डिवाइड होती हैं, तो आप बोलेंगे 100/5 100/5 कितना, 20। तो 20 संख्याएं तो ऐसी है ना, तो 20 बार 5 तो क्या मिल गया अपन को, सीधा सीधा मिल गया, है ना। तो 20 काउंटिंग तो ये हो गई। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि अपन को कौन सी संख्याएं चाहिए जिनमें दो बार क्या हो, 5 हो। दो बार 5 का मतलब क्या होता है, 5 × 5 यानी जिनमें क्या हो, 25% हो। तो आप बताओ 1 से 100 तक कितनी संख्याओं में 25% होगा, जिनमें 25% होगा वो 25 से डिवाइड होंगी। तो मैं यूँ बोलूँ 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 25 का भाग जा रहा है या जो 25 से डिवाइड हो रही है, तो आप बोलेंगे 1 से 100 तक 25 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 100/25 कितनी, 4। तो 20 संख्याएं तो 5 से डिवाइड होने वाली है, तो 20 बार तो सीधा सीधा मिल गया, और जो 25 से डिवाइड होने वाली है उन संख्याओं में एक एक एक्स्ट्रा और छुपा हुआ है, तो ये 4 एक्स्ट्रा, 20 ये, इसको और इसको अपन ऐड कर दिया, 20 और 4 कितना, 24 बार। 24 बार अपने पास में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखो इसी को क्या है, थोड़ा सा और समराइज कर दिया जाता है। पहले 100 को 5 से किया, फिर 100 को 25 से किया, तीन बार होते तो 125 करते। अब क्या इसको समराइज कैसे किया, आपको सीधा अब क्या सलाह दे दी जाती है कि भैया 5 गिने तो 100 में सीधा 5 का भाग ला दो, कितना, 20। अब 100 को 5 से तो डिवाइड कर दिया, अब फिर 100 को 25 से करना है। अब 20 को 5, देखो 100 को 5 से एक बार कर दिया है ना, दोबारा 20 को 5 से कर लो या 100 को 25 से कर लो, बात तो एक ही है। देखो 100 को 5 से किया, 20 को 5 से करोगे 4 आएगा, या 100 को 25 से करोगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सीधा बोलते थे 100 को 5 से डिवाइड करो 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड करो कितना, 4। अब 4 आगे डिवाइड हो नहीं रहा तो रुक जाइए, 20 और 4 कितना, 24 बार। 5 कितना, 24 बार, तो 0 कितनी बार हो जाएगा अपने पास में, 24 बार हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितने 0 होंगे, 24 बार 0 होंगे। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करना, एक बार बेसिक से ट्राई करना है, और देन जुगाड़ से तो हो जाएगा, इससे तो हो जाएगा, कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं। बेसिक से इसलिए कि खोपड़ी में एक बार कंसेप्ट जाए, ताकि अच्छे क्वेश्चंस में दिमाग अपने आप चलने लगे।
इस क्वेश्चन को मैं अपन कहां तक ले लेते हैं, ये दो नोट कर लेना दोनों, वीडियो को पॉज करके। मैंने इसी को ले लिया, एक से लेकर संख्याएं कहां तक कर दी, 179, 180 तक कर दी, 180 का फैक्टोरियल। इसके लास्ट में क्या बताने भाई साहब, जीरो बताने, एक से लेकर 180 तक की संख्याएं हैं, इसके लास्ट में बताने हैं जीरो। अपन जानते हैं जीरो के लिए 10 चाहिए और 10 के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तो 2 कहाँ मिलता है, 2, 4, 6, 8 में, हर दूसरी संख्या में 2 है, 5, 5, 10 हर पांचवी संख्या में 5 मिलेगा। 2 ज़्यादा है तो समझदारी 5 को ही गिनने में है, तो अपन वापस 5 गिनने चलते हैं। पहले एक बार बेसिक से करते हैं, 5, 10, 15, 20। कई बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं हल्का फुल्का, या तो क्लास में पढ़ चुके हैं या कहीं से और पढ़ चुके हैं, तो उनको ये आज जो पहली क्लास हो रही है नंबर ऑफ जीरोज़ की, ये थोड़ी सी ज़्यादा आसान लगेगी क्योंकि वो ज़्यादा ही बेसिक बातें कर रहे हैं। लेकिन बेटा हर तरह का बच्चा होता है, मैथ्स बैकग्राउंड का भी होता है, नॉन मैथ्स का भी होता है, तो शुरुआत में एक बार कनेक्ट होने के लिए अपन को चीज़ें बेसिक से ही उठानी पड़ती हैं। बाकी आप लोगों के लिए अगली क्लास बिल्कुल भर के आएगी, उसमें मस्त बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, सबके तेल का पता लग जाएगा उस क्लास में, है ना। तो आज क्या कंसेप्ट है, अच्छा है तो एक बार डायरेक्ट क्वेश्चंस को करते चलो, और थोड़ा बहुत कहीं कंसेप्ट लूज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पढ़ो साथ साथ। यहाँ से लेकर कहाँ तक, 175, 180 तक, है ना। कितनी संख्याएं होंगी बोलो, आप देखेंगे 5 की टेबल ही है, 5 गुणा 1, 5 गुणा 5 के कितने गुणा में 180 आता है, तो आप बोलेंगे 36 बार। तो 36 संख्याएं हैं, तो 36 बार 5, तो अपन को क्या मिल गए, सीधे सीधे मिल गए। फिर कुछ संख्याएं जिनमें 2 बार 5 है, 2 बार 5 का मतलब कौन सी संख्या है, 5 × 5 वाली संख्या, 25 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो 25 से डिवाइड होने वाली संख्याओं में क्या एक्स्ट्रा होगा, 25, 50, 75, 100, 125, 150 और 175। ये कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं हैं, इनका एक एक 5 तो अपन ने ऊपर ले लिया, एक एक इनमें एक्स्ट्रा और है, तो 36 तो ये है, 7 बार क्या हो गए अपने पास, ये एक्स्ट्रा और हो गए। अब कहीं ये और देख लो, कहीं कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जिसमें 3 बार क्या आ गया हो, 5 आ गया हो। 3 बार 5 का मतलब 5 × 5 × 5, 3 बार 5 125 है, 101 से लेकर 180 तक है, तो कहीं 125 आया है, 125 में 3 बार 5 है। एक बार अपन ने इस लाइन में 125 का एक 5 गिन लिया, एक इसमें गिन लिया, एक एक्स्ट्रा और बचा हुआ है, तो उसको एक को और गिन लेंगे, तो 36 ये है, 7 ये और एक ये है, 36, 7, 43 और 1, 44 बार। 5 कितने टाइम्स है, 44 टाइम्स है, तो 0 कितनी बार हो जाएगा, 0 हो जाएगा 44 बार। क्यों, 2 तो अपने पास भरे पड़े हैं, 2 गिनने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करें यदि बेसिक से, बेसिक से तो कर लिया, सीधा यदि अपन वो डायरेक्ट काउंटिंग बेस्ड बात करें, आपको चाहिए 5। 5 किन में होता है, जिन संख्या, जो संख्याएं 5 से डिवाइड होती है उनमें सब में 5% होता है। तो आप बताओ 1 से लेकर 180 तक कितनी संख्याएं जो 5 से डिवाइड होती हैं, तो आप 180 अपॉन 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, है ना। फिर अपन को चाहिए 2 बार 5 वाली संख्या, 2 बार 5 मतलब 5 × 5, 25 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो आप बताइए 1 से लेकर 180 तक 25 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 180 तक 25 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। तो अपन क्या लिखते हैं, पहले पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में, 1 से 180 तक 25 से डिवाइड होने वाली, 180/25 क्या लिखेंगे बोलो, 7, 7 ही होगी। ये 7 संख्याएं ऐसी हैं जो 25 से डिवाइड होती है, जिनमें 2 बार 5 है, लेकिन इनका एक एक तो पहले गिन लिया है, 7 क्या है, एक्स्ट्रा है। फिर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 3 बार 5 है, यानी जिनमें 125 है। तो आप बताइए 1 से लेकर 180 तक 125 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, तो 180/125 पूरा कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार डिवाइड होगा। और आपको याद हो उस क्लास में अपन इसी मोड में पढ़ रहे थे कि जब भी अपन ये लिखते हैं तो पूरा कितनी बार डिवाइड हो रहा है, वही लिखते हैं। तो 36 ये, 7 ये, और इनको क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर लेते हैं, 36, 7, 43 और 1, 44 बार। क्या किया अपन ने, 5 की काउंटिंग कर ली, 5, 36, 7 और 1 44 टाइम्स है, 5, 44 बार, और 5, 44 तो 0 भी कितने, 44 बार। इसको ये जो बड़ा ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब क्या है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने सुना होगा कि 180/5 की जो भी वैल्यू आएगी ना, उससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, उससे या उस तक। तो आप 180/25 का भाग लाएंगे, 7 point कुछ आएगा, तो 7 point कुछ से पहले बड़े से बड़ा इंटीजर कौन है, तो आप 7 ही बोलेंगे ना। या यूँ देखो पूरा कितनी बार डिवाइड हो रहा है, बस वो लिख दो, पॉइंट वाला हिस्सा नहीं लेना है अपन को। हाँ, और फिर अपन ने इसको समराइज कैसे कर रखा है,
180 में 5 का लगाया, अब वापस 180 में 25 का लगाया, 36 में ही क्या लगा दो, 5 का लगा दो, 36 में 5 का लगाओ, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 7 ही बार जाएगा ना। तो अपन डायरेक्ट इसको यूँ लिख सकते हैं, कैसे कि आप यूँ करिए, 180 तक है तो 180 बटे 5 कितना, 36, 36 बटे 5 अपन करेंगे ऐसे ही अब, ठीक है। ये एक बार बेसिक वजह क्या है, ये आगे कुछ और पावर काउंटिंग के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ भी ये कंसेप्ट क्या आएगा अपने काम में आएगा, तो इसको भी नोट कर लेना। 180 को 5 से डिवाइड किया 36, 36 को फिर 5 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 7 बार, 7 को 5 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 1 बार, 36, 7, 43 और 1, 44, 5 44 बार, 0 भी कितने, 44 बार करेंगे अपन ऐसे ही। ये सब समझने के लिए आगे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, उनका फाउंडेशन अपन क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। अब तो देखो अपने पास जुगाड़ बन गया, कहीं तक भी संख्याएं आ जाए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिए बताओ फिर, अब अपने पास जुगाड़ आ ही गया है तो बताओ जल्दी से, जैसे मैंने संख्याएं दे दी आपको 1, 2, 3, 4 से लेकर 3999 और 4000 तक, इसके लास्ट में 0 बताने, जल्दी से कैलकुलेट करो क्या करने वाले हैं अपन। 4000 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 800, देन 800 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 160, 160 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 32, 32 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 6, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 1। आगे डिवाइड नहीं हो रहा, जहां डिवाइड होने बंद हो जाए 5 से वहां रुक जाओ और जोड़ लो, 960 में 32, 992 और 6, 998 एंड 1, 999 बार। 5 कितने, 999 बार, 5 999 बार है तो 0 के बारे में क्या विचार होंगे, 0 भी कितनी बार हो जाएगा, 999 बार हो जाएगा, है ना। अब देखो ऐसे जब लिखते हैं ना तो होता क्या है, अपन को इस ये लिखने के साथ साथ ये चीज़ भी पैरेलल लिखनी पड़ती है, तब ऐसा तो है नहीं ये लिखने के बाद कुछ ज़्यादा कोई आत्मिक संतुष्टि मिलती है आप लोगों को, आप डायरेक्ट डिवाइड ही करना तो डायरेक्ट एंड रिजल्ट भी तो लिख सकते हो, तो ठीक है शुरुआत में आप अपने घर पे कर रहे हो जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन एग्जाम में फिर ऐसे नहीं लिखना, वहाँ तो अपन बस काम की चीज़ लिखेंगे। 4000 यहीं 5 से डिवाइड करो ना, बोलो कितना आएगा, 800। और अब पहला लिख दिया, अब आगे लाइन से लिखते हो, 800 को 5 से डायरेक्ट ही डिवाइड कर सकते हो ना, 5 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 5 से डिवाइड करना कैलकुलेशन में भी अपन पढ़ चुके हैं, है ना। 160 को 5 से डिवाइड करो 32, 32 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1, इनको ऐड कर दो, 5 टोटल कितनी बार हो गया, 5 हो गया 999 बार, और 0 भी क्या होगा, 999, बस इतना ही करना है। क्या किया, डायरेक्ट 5 से डिवाइड किया 800, फिर 5 से डिवाइड कर दो इसको, फिर इसको फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको फिर 5 से करोगे तो ये आएगा, और फिर इसको करोगे तो ये आएगा, डायरेक्ट क्या कर दो, जोड़ दो। आपकी खुद की भी कॉपी है उसमें भी क्या होंगी, लाइंस बच जाएंगी, ऐसे लिखोगे तो लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा वेस्ट होंगी। तो लगातार संख्याएं तो कहीं भी मिल जाए अपन को कोई टेंशन नहीं है, आराम से किया जा सकता है। अब यही क्वेश्चन लैंग्वेज में मिल सकता है आपको, आपको बोल सकता है कि प्रथम 4000 प्राकृत संख्याओं के गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे, पूर्ण संख्याओं के अंत में गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे, बाद संख्याएं बोल सकता है। जैसे लिखना सवाल, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 25,000 प्राइम नंबर्स। ऑप्शन नहीं दिए गए आपको, प्रथम 25,000 अभाज्य संख्याओं के गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे, प्रथम 25,000 अभाज्य संख्याओं के गुणा के लास्ट में कितने जीरो होंगे, ये आपको बताना है। कई भाई साहब तो 25,000 देखते ही टूट पड़े होंगे इस पर, 25,000 बटे 5 बटे 5 बटे 5, ऐसा नहीं करना है, कुछ भी दिख जाए और अपन टूट पड़े उस पर, क्वेश्चन पढ़ना भी है। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, 25,000 प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स आप जानते हो कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, जिनको क्या है ब्रेक नहीं कर सकते, यही होते हैं ना,
ऐसी कितनी संख्याएं हैं? इस तरह की 25,000 संख्याएं हैं। क्या आप बता सकते हो कहां तक जाके ये 25,000 होंगी? ये आप नहीं बता सकते, आपको कैलकुलेटर पकड़ा दो तो भी नहीं बता। क्या आप, क्या मैं, क्या कोई नहीं बता सकता कहां तक जाके 25,000 होंगी। अपन 20, 25, 30, 50 तक फिर भी हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन 25,000 प्राइम नंबर्स कहां तक जाके होंगे अपने बस का नहीं है। और अपन को चाहिए भी नहीं ना, अपन को तो जीरो गिनने से मतलब है। आप बताओ ना, प्राइम नंबर्स में लिखेंगे दो कितनी बार आएगा? खाली एक बार, उसके अलावा तो किसी संख्या में दो नहीं आएगा ना। प्राइम है भाई साहब, आगे वापस दो आ गया तो प्राइम रहेगा ही नहीं। पाँच कितनी बार आएगा? पाँच भी आएगा एक बार, दो एक बार, पाँच एक बार। आप बोलो जीरो कितनी बार आएगा? क्या बोलेंगे? जीरो आएगा खाली एक बार। 25,000 प्राइम नंबर्स का गुणा 25,000 का, 1,00,000 कर लो, 5,00,000 कर लो, दुनिया के सारे प्राइम नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करोगे, जीरो तो कितनी बार आना है? एक ही बार आना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कुछ भी दिख जाए और अपन बस सीधा ट्रिक चिपका दे। अपना ये जो पैटर्न है, डायरेक्ट डिवीजन वाला तरीका है, ये कहाँ काम में लेना है? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और लगातार एक से स्टार्ट होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, तब लगाना है। उसके अलावा कुछ भी आ गया तो ऐसा आंख मूंद के नहीं चिपकाना है, थोड़ा दिमाग खुला रखना है, हल्का सा दिमाग साथ में चलाते हुए काम करना है। जैसे और क्या क्या वैरायटी बन सकती है, कैसे कैसे पूछ सकते हैं सवाल। जैसे मान लो ये बोल दिया आपको 141, 142, 143, 144 से लेकर 299 और 300 तक बोल दिया। इसके लास्ट में क्या बताने हैं? जीरो बताने। 141 से लेकर 300 तक, इनके लास्ट में कितने जीरो होंगे? करो देखे की बात ट्राई। अपन तो क्या जानते हैं, देखो यदि अपन से पूछा होता 1, 2, 3 से लेकर 299, 300 तक पूछता ना, तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो अपने पास जुगाड़ है, चिपका देते। क्या करते, 1 से 300 तक कितने जीरो बताओगे बोलो? 300 को 5 से डिवाइड करो कितना? 60, 60 को 5 से डिवाइड करो 12, 12 को 5 से डिवाइड करो कितना? 2, 60, 12, 72 और 2 कितना? 74 बार। 5 कितने? 74, 0 कितने? 74। तो लगातार संख्याएं जब आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट जितने 5 होंगे उतने क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 1 से 300 तक पूछता तो डायरेक्ट पहले 300 को 5 से किया 60, 60 को 5 से किया 12, 12 को 5 से किया 2 और 74 बार। पूरा पूरा लिखना है, पूरा पूरा कितनी, जैसे 12 को 5 से करेंगे 2 पॉइंट कुछ आता तो 2 ही लिखना है। अब देखो, लेकिन ये तो 1 से 300 तक की बात है, इसमें तो कुछ अनावश्यक सामान है ना, अननेसेसरी मैटर इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? 1 से लेकर 140 तक का जो भी सामान है वो गलत शामिल कर रखा है, तो उसको हटाओ। आप बताओ 1 से लेकर 140 के कारण कितने जीरो बनते हैं, वो इसमें गलत शामिल इंक्लूड कर रखे हैं, उनको हटाना है। तो 140 को 5 से डिवाइड करो बोलो कितना आएगा? 28। 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 को 5 से करेंगे तो एक बार, 28, 5, 33 और 1, 34। 1 से लेकर 140 तक कितने होंगे? 34 बार जीरो होंगे। तो 141 से 300 तक कितने होंगे? 74 में से 34 जो अनावश्यक है इनको माइनस कर दो, 40 अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। 141 से 300 तक निकालने थे तो अपने क्या किया, 1 से 300 तक निकाल लिया और उसमें से क्या माइनस कर दिए, 1 से लेकर 140 तक के जो अननेसेसरी जीरो थे उनको हटा दिया। आगे देखो, इसको नोट कर लो, अगला ट्राई करो। अगले क्वेश्चन में क्या कहा भाई साहब? आपको बोला 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेकर कहाँ तक? 356, 358 एंड 360। 2, 4, 6, 8 से लेकर कहाँ तक? 358, 360 तक संख्या दे दी और काम वही है। इसके लास्ट में क्या बताने हैं? जीरो बताने हैं। अपने पास तो जो हथियार है वो कब काम करता है? 1 से चालू हो और लगातार हो। तो ये क्या है? दो दो के गुणा वाली संख्या है ना। तो अपन तो क्या करें, जो अपन जानते हैं उससे मैच करते हैं इसको अपन। तो देखो ये क्या है, 2 × 1। ये क्या है, 2 × 4 क्या होता है? 2 × 2। 6 क्या है? 2 × 3। 8 क्या है? 2 × 4। कहाँ तक? 2 × 360 180 का दोगुना है ना, तो 2 × 180 तक अपन लेंगे। ये अपने पास संख्याएं हैं। अब देखो, वैसे देखो तो क्या 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक 180 तक की संख्याएं थी और सबको दो दो क्या कर रखा है, मल्टीप्लिकेशन में गिफ्ट कर रखा है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 है ये कितनी बार आया होगा बोलो?
ये जितने भी 180 नंबर्स हैं सबके साथ एक अलग से दो लगा हुआ है, तो दो को इसको बाहर निकालो तो टोटल कितने दो बाहर निकलेंगे, 2 की पावर 180, दो को 180 बार निकालेंगे, 2 की पावर 180, अंदर क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक, 179, 180 तक, है ना। अब देखिए 2 180 बार तो ये है, और इसमें भी बहुत सारे दो भरे पड़े हैं, तो आप बताओ 2 ज़्यादा होंगे कि 5 ज़्यादा होंगे। अपन को पता है 2 तो इसमें ज़्यादा होते तो ये एक्स्ट्रा ही है, तो सिर्फ क्या है 5 की कमी रहेगी, तो 5 ही गिन लो। तो देखो 1 से लेकर 180 तक 5 कितने होंगे, 180 बटे 5 करो 36, अभी गिन भी रखा था ना अपने, 36 को 5 से डिवाइड करो 7, 7 को 5 से डिवाइड करो 1, 36, 7, 43 और 1, 44, 5 44 बार, 0 भी कितने 44 बार हो जाएगा। हाँ, कई बच्चे इसको क्या है कॉमन लेना बोलते हैं, यहाँ इस तरीके के मोड में कॉमन लेना नहीं है, कॉमन लेना कब होता है जब संख्याएं प्लस में होती है। देखो ध्यान देना एक बार, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे भी संख्या है ना, तो आएगा 2 कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 2 प्लस 3 ये प्लस 4, ये होता 2 कॉमन आना। यहाँ संख्याएं प्लस में नहीं है, गुणा में है, तो 2 कितनी बार गुणा में है, 180 बार गुणा में, इसलिए 2 को क्या लिया, 180 बार बाहर निकाला है। यहाँ प्लस में थी इसलिए यहाँ आता है कॉमन, कॉमन आना इसको बोला जाता है, तो कॉमन नहीं है तो बाहर निकाला है 2 कितनी बार, 180 बार। एक तो आप इसको ऐसे करो, या आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, आपको पता है 2 से 180 संख्याएं हैं, 2 से गुणा कर रखा है, तो ऐसे में डायरेक्ट है आप संख्याएं काउंट कर लो। क्या करना है, 2 2 के गैप पे संख्या है ना, तो 360 को 2 से डिवाइड कर दो, आप बताओ कितनी संख्याएं हो गई, ये नंबर्स कितने हैं, संख्याएं तो कितनी हैं, 180 है ना, संख्याएं कितनी है, 180, 2 2 के गैप पे जरूर है लेकिन है कितनी, काउंटिंग क्या है नंबर्स की, 180 है ना, तो 180 नंबर्स में क्या कर लो, 5 काउंट कर लो, 185 by 5 कितना, 36 by 5 7, 7 by 5 1, पहले 5 का भाग लगा दो फिर भाग लगाते चले जाओ, 44 अपना जवाब हो जाएगा। ये इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। यदि मैं इसको थोड़ा ऐसे एक सवाल और आपसे पूछूं तो बताना जल्दी से, देखा क्या आंसर आएगा आपका, 3, 6, 9, 12, 15 से लेकर 714, 717 एंड 720 तक, इसके लास्ट में क्या बताने हैं, 0 बताने हैं। बताओ कितने 0 बताओगे, यदि पूरा खोले तो क्या लिखोगे, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 से कहां तक, 3 into 2, 40, दिस इज 3 into 2, 39, तो बोलो 3 कितनी बार बाहर आएगा, 3 की पावर 240, 3 240 बार बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 से लेकर 239, 240। आप बताइए ना, तो इस हिस्से में ना तो 5 है ना 2 है, जो भी फैसला हुआ यहाँ से हुआ, लगातार संख्याएं 1 से लेकर 240 तक, तो 2 तो ज़्यादा ही मिल रहे हैं तो 5 गिनना है, तो 240 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा बोलो, 48, 48 को 5 से डिवाइड करोगे तो 9, 9 को 5 से डिवाइड करते हो 1, 48, 9, 57 एंड 1, 58, 0 कितनी बार हो जाएगा, 58 बार, बस इतना सा करना है। या 720, देखो 3-3 के गैप पे संख्याएं हैं, तो अभी जैसे मैंने डायरेक्ट बोला आप संख्याएं काउंट कर लो, 720 बाई 3 कितनी हो जाएंगी, 240 नंबर्स हो जाएंगी। संख्याएं काउंटिंग क्या है, संख्याओं की गिनती क्या है, 240 है ना, तो जो 0 बनेंगे वो तो 1 से लेकर 240 तक के कारण ही बनेंगे, तो आप 240 में काउंट कर लो, 240 बटे 5 वही 48, 48 बटे 5 9, 9 बटे 5 1, ऐसे लिख लो, भले ऐसे लिख लो उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही 58 अपना जवाब हो जाएगा। लेकिन ये कब करना है, जब 2 के मल्टीप्लिकेशन में हो, 3 में हो, 4 में हो, 6, 7, 8 हो, 9 हो, 11 हो, इनके मल्टीप्लिकेशन में हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। लेकिन कभी कभी जैसे क्या है, ये संख्याएँ क्या होती हैं, 5 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे मैं अगला सवाल लिख दूँ, मैं इस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट कब लगानी है, जब 5 का मल्टीप्लिकेशन में ना हो तब चल लग जाएगा। जैसे अभी 2, 4, 6, 8 लिखा, 3, 6, 9, 12 लिखा,
सिक्स के मल्टीपल्स लिख सकते हो, सेवन के मल्टीपल्स हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पाँच के मल्टीपल्स आ गए सोचना है। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको 5, 10, 15, 20, 25 से लेकर कहाँ तक दिया, मान लो 500 तक ले लिया, 495 और 500, इसके लास्ट में जीरो कितने होंगे, है ना, ये अपन को बताने हैं। अब देखिए क्या करेंगे अपन, अब इसमें डायरेक्ट मत चिपका देना कि 500 को 5 से डिवाइड करके संख्या काउंट कर ली 100 संख्या है और उनमें गिन रख के रख दो आप। अब देखिए यहाँ हर संख्या में 5 है और अपने तो असली माल ही क्या है, 5। जीरो वाली कहानी किस पे बेस्ड है, 5 और 2 पे ना, तो हर संख्या में 5 भरा पड़ा है। तो इस बार अपन को पूरा बेसिक से देखना पड़ेगा, 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, पूरी पिक्चर क्या है, 5 × 99, 5 × 100। अब देखो 100 नंबर्स हैं, सबके साथ एक्स्ट्रा 5 है, तो 5 को 100 बार तो बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक, 99 और 100 तक। ये अपना क्वेश्चन है, इसमें जीरो काउंट करने अपन को। अब आप देखिए बेटा इसमें 5 कितनी बार है, 5 आप बोलेंगे 5 रहा 100, तो ये 100 बार तो ये रहा, सीधा सीधा 100 बार तो इसी में है। और आप बताओ 1 से लेकर 100 तक में कितने 5 होते हैं, 100 को 5 से डिवाइड करो, 1 से 100 तक में कितने 5 होते हैं, 20, 20 को 5 से डिवाइड करो, 20 और 4 कितना, 24 बार, तो 24 तो ये हैं और 100 ये हैं, तो ये 100 बार और 24 बार अपन ऐड करेंगे तो 5 कितनी बार हो जाएगा, 124 बार हो जाएगा, 5 कितने होंगे, 124 बार। लेकिन अब ये नहीं कि 5 124 बार है तो 0 भी 124 बार कर दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार गरीबी 2 की आ गई हो, अब तक जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें 5 ही कम हुआ करता था, है ना, लेकिन यहाँ तो हर संख्या में ही 5 डाल दिया है, तो कहीं ऐसा नहीं हो गया हो कि कमी 2 की हो गई हो, तो अपन को 2 गिनना पड़ेगा। अब 2 कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, देखो ये तो 5 से बना हुआ सामान है, इसमें 2 है नहीं, 2 कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 1 से लेकर 100 तक में मिलेगा ना। अब अपन को क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक में 2 गिनना है। अब 2 कैसे गिनेंगे, 2 में मिलता है, 4 में मिलता है, 6 में मिलता है, 8 में मिलता है, ऐसे गिनो, लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, या वही 2 के मल्टीपल्स में 2 मिलेगा, फिर 4 के मल्टीपल्स में 2-2 बार मिलेगा, 8 के मल्टीपल्स में 3-3 बार मिलेगा। तो जैसे अपन 5, 25, 125 के मल्टीपल्स देख रहे थे, वैसे ही अपन क्या है 2, 4, 8 के मल्टीपल्स देख के 2 गिन सकते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक 2 काउंट कर रहे हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणा उसमें 2 काउंट कर रहे हैं, तो अब अपन डायरेक्ट काउंट करेंगे, 100/2 कितना, 50, 50/2, ये एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, 25 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 25/2 कितना, 12, 12/2 कितना, 6, 6/2 कितना, 3, 3/2 कितना, 1, ऐसे ही आगे लगातार चलते रहेंगे। बोलो 75, 12, 87, 6, 93, 96 और 1, 2 कितना, 97 बार। बोलो भाई साहब 5 कितना है, 124 बार, 2 कितनी बार है, 97 टाइम्स है। 5 और 2 की पेयरिंग कितनी होगी, बोलो अपने पास 0 कितने होंगे, 97 बार। ये दूल्हे हैं ये दुल्हन हैं, कितने परिवार बना सकते हो, 97, बहुविवाह अलाउड नहीं है, इसको नोट करना, इस केस में थोड़ा ही ध्यान रखना है। जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, 5 कम पड़ता जा रहा था, इसमें कौन कम पड़ गया, 2, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ बाकी आ जाए 6, 12, 18, 24, 7, 14, 21, जहाँ 5 के या 5 के मल्टीपल नहीं है वहाँ कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट वो पीछे वाले क्वेश्चन में डिवाइड करके किया वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, इसको आप नोट करिए। और ऐसा ही एक और लिखिए सवाल, बताना देखिए क्या आंसर आ रहा है। आपको यूँ दीजिए बेटा 10, 20, 30, 40 से लेकर कहाँ तक, 780, 790 और 800, 10, 20 से लेकर कहाँ तक, 800 तक संख्या दे दी, और बोला इसके लास्ट में क्या है, वही बताने क्या है, 0, 10 से लेकर 800 तक की संख्या है, लास्ट में 0 बताने है। आप देखो क्या है ये, 10 × 1, 10 × 2 से कहाँ तक, 10 × 79 और 10 × 80। अब बोलो 10 कितनी बार भार आएगा, 10 कितनी बार, 80 बार ना, ये 80 संख्या है, सबके साथ 10 है तो इसको बाहर निकाल लिया, 10 की पावर
80, और पीछे क्या बच गया, 1, 2, 3 से कहाँ तक, 79, 80 तक, ठीक है। अब गिनना है 0, 0 बनता है 10 से, तो देखो 10 सीधा सीधा 80 बार यहाँ पे, 10 की पावर 80 का 10 कितनी बार, 80 बार, तो 80 जीरो तो सिर्फ ये दे देगा आपको, 80 जीरो तो यही दे देगा, 10 ही है, 5 नहीं है, 10 है, बना बनाया सामान है, वहाँ तो अपन को 5 और 2 की पेयरिंग देखनी थी, लेकिन ये तो 10 ही है डायरेक्ट, 80 बार तो ये हो गया। इसमें देखो 1 से लेकर 80 तक लगातार संख्या है, ये 2 5 से सेट करते हैं, 2 ज़्यादा है तो डायरेक्ट 5 गिन लेते हैं, 80 को 5 से डिवाइड करो कितना, 16, 16 को फिर 5 से डिवाइड करोगे 3, तो कितनी बार, 19 बार, 80 बार तो यहाँ पे इसके कारण आएंगे, और 1 से 80 तक की संख्याओं के गुणा के कारण कितने जीरो आएंगे, 19 बार जीरो आएंगे, तो 80 तो ये है और 19 ये है, 80 और 19 कितने हो जाएंगे, 99 बार क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इस तरह के संख्याओं के गुणा में टोटल इतने जीरो होंगे। ये किसी को ऐसा नहीं भी जम रहा हो तो डायरेक्ट कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 80 में 5 ऐसे सजा सजा के भी लिख सकते हो, ऐसे ज़्यादा सुहावना लग रहा है तो 16/5 कितना, 3, 16 3 19, एक ही बात है, मैं तो चाह रहा हूँ कम लिखो, इसलिए इस तरीके से कर सकते हो। इसको उतारिए, अगला ट्राई करिए, से लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको दे दिया, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, 1000, 2000, 3000, 4000 से लेकर 99,000 एंड 100,000 या 1,00,000, गिनने क्या है, जीरो, ये संख्याएं दे दी लास्ट में जीरो अपन को काउंट करने, बताइए जल्दी से कितने जीरो बताओगे, क्या है ये, 1000 × 1 से लेकर 1000 × 2 से कहाँ तक, 1000 × 99 and 1000 × 100, तो एक तरीके से 100 संख्या है ना ये, तो 1000 कितनी बार बाहर निकलेगा, 1000 को अपन 100 बार क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, 1000 कितनी बार आ गया, 100 बार बाहर आ गया, और पीछे क्या बचेगा, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, 99 and 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के कारण कितने जीरो बनते हैं, ये अब 2-3 बार आ गया ना अपने सामने, 100 को 5 से डिवाइड करो 20, 20 को 5 से करो 4, 20 4 कितने, 24 बार, 24 बार तो 1 से लेकर 100 तक के कारण बन जाएंगे, 1 से लेकर 100 तक के कारण कितने हो जाएंगे, 24 बार, 1000 की पावर 100, इसके कारण जीरो कितने बनेंगे, 1000 को आप जानते हो, 1000 क्या होता है भाई साहब, 1000 होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर 100, और आप ये भी जानते हो जब पावर पे पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर कितनी होगी, 300, और 10 ये चीज़, 1000 की पावर 100 लिखो या 10 की पावर 300 लिखो, एक ही बात है, और 10 कितनी बार, 10 की पावर 300 का मतलब 10 कितनी बार, 300 बार, तो 10 300 बार है, तो यहाँ कितने जीरो हो गए, यहाँ जीरो हो गए 300 बार, तो 300 बार तो ये हैं, 24 बार ये, टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, जीरो, 324 बार यहाँ पे टोटल क्या बन जाएंगे अपने पास में, जीरो आ जाएंगे। इस तरीके से इस तरह के सवालों में आप जा सकते हो, और क्या क्या कर सकता है इसको आप नोट कर लो, और कैसे पूछ सकता है, देखिए आपके छोटे मोटे जोड़ गुणा का टेस्ट वो ले लेता है साथ में, आपको ऐसे बोल देगा 80 का फैक्टोरियल बोल दिया, 80 का फैक्टोरियल, 80 का फैक्टोरियल मतलब क्या, फैक्टोरियल 80, 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं गुणा, इंटू 150 का फैक्टोरियल आपको बोल दिया, और इंटू में क्या बोल दिया, 400 का फैक्टोरियल बोल दिया, 80 का फैक्टोरियल 1 से 80 तक का गुणा, 1 से 150 तक का गुणा, और 1 से लेकर 400 तक का गुणा, ये तीनों गुणा में डाल दिए, और इसके लास्ट में जीरो बताने, तो क्या करेंगे ऐसे में, बताओ जल्दी से आंसर, 80 का फैक्टोरियल 1 से 80 तक का गुणा, तो क्या लिखेंगे, इसको 5 से डिवाइड करो डायरेक्ट, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना आएगा 16, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, और इनको जोड़ना होता है, कितनी बार जीरो आ जाएगा बोलो, 19 बार ना, फैक्टोरियल 80 में आ जाएगा 19 बार, फैक्टोरियल 150 5 से डिवाइड करो कितना आएगा बोलो 30, 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6, 6 को 5 से डिवाइड करो तो 1, यहाँ कितनी बार होंगे, 37 टाइम्स, यहाँ कितने होंगे, 400 को 5 से डिवाइड करो बोलो 80, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, कितनी बार,
99 बार, यहाँ 19 बार है, यहाँ 37 बार है, यहाँ 99 बार जीरो है। ये संख्याएं गुणा में हैं, तो अब कुल कितने जीरो हो जाएंगे? 19 तो इसके कारण बनेंगे, 37 इसके कारण और 99 इसके कारण, तो 19 प्लस 37 प्लस 99, इनको क्या कर लो, अपने जोड़ लो, ये 56 हो जाएगा। 56 और 99 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 155 बार अपने पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो जाएंगे, 155 बार। कई बच्चों के दिमाग में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि यार यहाँ संख्याएं किस में थी, मल्टीप्लिकेशन में थी, और अपन ने जीरोस को ऐड क्यों कर दिया? तो अपन क्या करते हैं, जब भी संख्याओं को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है उनके लास्ट वाले जीरो जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो अपन ये करें, मैं बोलूँ 200 को 3000 से गुणा करना है, तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट 2 को 3 से गुणा कर दो, 6000, 6 दो बार जीरो ये और 3 बार जीरो है, ऐसे लगा देते हैं, 2 और 3 मिला दिए ना अपन ने 5। तो गुणा वाले क्या बेसिक कंसेप्ट पे ही है, जब भी संख्याएं गुणा में हैं तो उनके लास्ट वाले जीरो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ 3 जीरो थे, 2 और 3 को गुणा किया और ये 2 जीरो हैं लास्ट वाले, क्या हो गए, जुड़ गए। तो वही किया, गुणा में जब भी आएंगे जीरोज क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यही और कैसे पूछ सकता है, गुणा में है तो प्लस माइनस में भी पूछ सकता है। देखिए जैसे अपन ने यूँ लिख दिया क्वेश्चन, आपको मिल गया, मान लो ये मिल गया 50 का फैक्टोरियल प्लस 135 का फैक्टोरियल प्लस, आपको बोल दिया 230 का फैक्टोरियल, बोल दिया ये, बोल दिया प्लस में है 50 फैक्टोरियल, 135 फैक्टोरियल, 230 फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या बताने हैं, जीरोज काउंट करने हैं कि इसके लास्ट में जीरो कितने हुए। तो आप 50 में गिन सकते हो, 50 को 5 से डिवाइड करो 10, 10 को 5 से डिवाइड करो 2, कितनी बार जीरो आएंगे बोलो, आप बोलेंगे 12 बार। इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, डिवाइड बाई 5 करो कितना आएगा, 27, 27 को 5 से करेंगे तो 5, एक और 27, 5, 32 और एक कितने, यहाँ आएंगे जीरो कितने, 33 टाइम्स। 230 में 5 का भाग लगाओ 46, 46 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा भाई साहब, 9, और 9 को 5 से करेंगे तो 1, बोलो कितना, 56 बार। यहाँ जीरो है 12 बार, यहाँ जीरो 33 बार, यहाँ 56 बार। संख्याएं किस में आ रखी हैं, प्लस में आ रखी हैं, ये तीनों संख्याएं प्लस में थी, तो कुल मिला के कितने जीरो होंगे, कुल मिला के जीरो होंगे कितने, 12 बार। अब इस 12 को लेकर कईयों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आपको ये ध्यान रखना है, जब जब अलग अलग जीरो आ जाए ना, प्लस या माइनस, देखो गुणा में तो इनटू में तो प्रोडक्ट में कभी भी जो भी जीरो आएंगे उन सारे जीरो को क्या कर देना, ऐड कर देना, कोई टेंशन नहीं है। जब संख्या प्लस माइनस में है तो क्या करना होगा, जब सबसे कम जीरो जिसके लास्ट में होंगे वो अपना क्या होगा, जवाब होगा, सबसे कम वाला, सबसे कम जीरो कितने हैं, 12 बार ना, यही अपना जवाब बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, उसके लिए वापस अपन दूसरी तीसरी क्लास का एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको 73,000 और 2800 को ऐड करना है, 73,000 और 2800 क्या करना है आपको, ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे अपन बोलो, ऐड ऐसे ही कर देना, 73,000 तो आप देखो क्या करेंगे, जीरो ये जीरो और जीरो और एट से क्या बनेगा, एट, तो ये आठ इस जीरो को खा गया ना, तो इसके रिजल्ट में कितने आए बोलो, क्या बोलो, कितने जीरो आए, दो, यहाँ तीन थे यहाँ दो थे, लेकिन जुड़े जब कितने जीरो रह गए, दो जीरो रह गए। तो जब भी संख्याओं के लास्ट में अलग अलग जीरो आएंगे और वो संख्याएं वो इस तरह की संख्याएं प्लस में या माइनस में हो, तो सबसे कम वाला क्या लिया जाता है, आंसर लिया जाता है। तो यहाँ सबसे कम वाला क्या था, जी 12 अपना जवाब बन गया। लेकिन ये अलग अलग हो तब की बात है, कई बार जैसे सेम हो जाता है तो कंसेप्ट अलग तरीके से चल जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं जीरो। हाँ, इस क्वेश्चन में काम और भी कर सकते हैं, आपको जैसे दिमाग में आई गया, जैसे मान लो मैं यूँ दूँ 75 का फैक्टोरियल है प्लस 240 का फैक्टोरियल है प्लस 5000 का फैक्टोरियल है, कितने जीरो होंगे, तो पता है ना सबके लास्ट में अलग अलग ही आएंगे, तो खाली 75 के लास्ट वाले जीरो निकालो और जितने इसके लास्ट में जीरो होंगे इस पूरे रिजल्ट के लास्ट में उतने क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि पता है ना सबके लास्ट में अलग अलग जीरो आएंगे। हाँ, अलग अलग जीरो जब भी आएंगे तब क्या होगा, सबसे कम वाला, कब, प्लस या माइनस में हो तब,
लेकिन कभी कभी सेम हो जाता है तो मामला ऐसे भी चला आ जा सकता है। देखो जैसा आपको बोला 73 का फैक्टोरियल प्लस 74 का फैक्टोरियल, इसके लास्ट में जीरो कितने होंगे, ऐसे बोल दिया आपको 73 का फैक्टोरियल प्लस 74 का फैक्टोरियल, इसके लास्ट में कितने जीरो बताएंगे। तो ऐसा नहीं करना कि एक के लास्ट में निकाल दो और वो कर दो। आप जानते हो 173 और 174 में 5 तो उतने होंगे जो 170 में होंगे, जीरो सेम आएंगे ना। तो यहाँ ऐसा नहीं कि एक के निकाल के आप लिख दो, इसमें थोड़ा अलग तरीके से अपन करेंगे। ये 73 का फैक्टोरियल है, ये क्या है बेटा 73 का फैक्टोरियल इंटू 74, अपन फैक्टोरियल में पड़ गया है ना, और फैक्टोरियल 73 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो फैक्टोरियल 73 क्या कर लो, बाहर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 प्लस 74, ये 73 का फैक्टोरियल इंटू 75। अब देखो ये क्या हो गया, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, 73 इंटू 75, 72, 73 यही है ना। या एक ये भी कर सकते हो, एक से लेकर 73 तक निकाल लो और 75 वाले पांच और देख लो, या एक से लेकर 75 तक का सब कुछ आ गया, बस खाली कौन मिसिंग है 74। 74 देता क्या है, दो देगा आपको, पांच तो देता नहीं है, और दो तो इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास कितने पाँच होंगे जितने 75 में होते हैं, 75/5 कितना 15, 15/5 कितना 3, 15 और 3 कितना 18 बार। तो इसके लास्ट में जीरो कितनी बार होंगे, 18 बार होंगे। वैसे आप अलग अलग देखोगे ना तो आप देखो क्या पाएंगे, 73 में देखो 73/5 करोगे ना तो 14 आएगा, 14/5 करोगे तो 2 आएगा, 16 ही नजर आएंगे, 16 इसमें है 16 इसमें, लेकिन जुड़ने के कारण क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कई बार इस तरीके से फैक्टोरियल में ये संख्या जो आगे वाली आती है ये 5 या 25 का मल्टीपल आ जाता है तो जीरो जैसे बढ़ जाते हैं, है ना। तो आप या तो ऐसे कर लो या यहाँ भी गिन लेते, 16 तो इसके कारण बन जाएंगे, 14 और दो, और 75 क्या है 5×5×3, तो ये दो पांच जो हैं इनको पीछे कई सारे दो हैं, तो 16 बार ये, दो बार ये, 16 और दो 18, आप ऐसे बोल सकते हो। ये 16 कैसे निकाला, 73 को 5 से डिवाइड किया 14, 14 को 5 से किया 2, 16 और 2 इसके, या डायरेक्ट 75 तक ही निकालो, 74 ही तो है उसका, वैसे भी कोई ज़्यादा योगदान है नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन में। माइनस में हो प्लस में हो लगातार कहीं फैक्टोरियल वाले आ गए तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, जल्दबाजी मत कर देना। कई बार क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है जहाँ ये जो पैटर्न है डिवीजन वाले काम में आता ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे मान लो आपको यूँ क्वेश्चन मिल गया, आपको दे दिया 5 की पावर 100, 5 की पावर 101, 5 की पावर 102 प्लस में है, प्लस 5 की पावर 103, ये बोल दिया, इसके लास्ट में क्या बताने हैं, जीरो बताने हैं, 5 की पावर 100, 5 की पावर 101, 5 की पावर 102, 5 की पावर 103, इसके लास्ट में कितने क्या होंगे, जीरो होंगे। तो देखो जुगाड़ की तो गुंजाइश है नहीं, जुगाड़ कब लगता है, संख्याएं एक से चालू हो, लगातार हो, नेचुरल नंबर्स हो, तो यहाँ तो एक पाँच ही दिख रहा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में वही अपना बेसिक फंडा काम में आएगा, क्या चाहिए, दो और पाँच, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अपन 5 की पावर्स है ना, 100, 101, 102, 103, तो 5 की पावर 100 कॉमन ले लो क्या, मैं 5 की पावर 100 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 5 की पावर 1, देखो 101 पावर है ना, तो 100 पावर बाहर निकाली तो 1 ही पावर बचेगी, यहाँ 5 की पावर 102 है तो 100 तो बाहर निकाली, अंदर कितनी पावर बचेगी, 5 की पावर 2, 103 पावर थी, 5 की 100 बाहर निकाली कितनी बचेंगी, 5 की पावर 3, थोड़ा और सुलझाइए इसको, 5 की पावर 100, 1, 5, 25 एंड 125, गौर करो ये 5 की पावर 100 इंटू 125, 25, 150 और 6, 156, 5 कितनी बार है, 100 बार भरे पड़े, दो दो तो गिने चुने हैं भाई साहब इस बार, तो क्या तोड़िए इसको दो के लिए, 5 की पावर 100 इंटू 156 क्या होता है, 12×13 होता है ना, तो 12 को जानते हो 2 × 2 × 3 × 13, 156 के अपन ने क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए। तो यहाँ अपने पास 5 कितनी बार है, 100 बार, और 2 कितनी बार है, 2 बार, तो अपने पास 0 कितनी बार है, वो खाली 2 बार, 5 बहुत सारे हैं 2, लेकिन कितने हैं, 2 ही हैं, तो पैर तो कितने बन पाएंगे, 5 और 2 के 2 ही बन पाएंगे, तो 0 अपने पास होगा 2 बार। तो इस तरीके से कई बार क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं।
ये जो आज अपने जीरोज पे क्वेश्चन किए हैं, एक तो इससे क्या थोड़ा सा कंसेप्ट से अपन जुड़े हैं और बेसिक क्वेश्चंस अपन ने करे हैं। यहाँ तक क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बाकी छोटे मोटे जो भी एग्जाम्स हैं उनके सबको कवर करने वाले क्वेश्चंस हो गए। अब अगली जो क्लास में अपन वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एसएससी क्या है मेंस तक के लेवल के हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एसएससी हो इवन कैट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी अपन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में नंबर ऑफ जीरोज पे या कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह का इससे ऊपर नहीं पूछेगा। बाकी अपन मेंस के लिहाज से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे, वो अपन अगली क्लास में करते हैं। तब तक इनको एक बार आप कर लो कंसेप्ट से, और जो भी इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, साथ में जो प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस हैं जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उनको भी आप ट्राई कर लो। अगली कल क्लास में कल अपन क्या करेंगे, जो भी इसके बचे हुए ढंग के क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। कल मिलते हैं अपन। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।